नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं उम्मीद है यूट्यूब चैनल। इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, चारों तरफ कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ ना कुछ अलग हो रहा है जिसको आप देख रहे हैं। और सबसे अभी दिलचस्प कहानी जो चल रही है वो चल रही है विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी जी के बारे में, और एक दूसरे के एनिमी बने हुए हैं। और इस एनिमी बनने का क्या कारण है और क्यों बने हैं ये शायद अगर आपको नहीं पता है तो डिटेल में अभी आपको मैं जानकारी दूंगा कि हुआ क्या है। विवेक बिंद्रा जी को आप बहुत पहले से जानते होंगे कि एक बिजनेस कोच हैं और जिनकी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस या फिर स्टोरीज की वीडियोस आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा ही होगा और उसको भली बातें जानते हो, और जो कि कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बिजनेस सपोर्ट कह सकते हैं, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उनसे कोई जानकारी चाहते हैं तो इस तरह के उनके कोर्सेज हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से लोग खरीद रहे हैं। और ये तथाकथित है कि उनको पता है लोगों को, तो उसमें कोई अलग चीज़ तो नहीं है। पिछले दिनों उन्होंने बहुत बड़ा एक सेमिनार किया जिसमें कि लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, नॉट बिजनेसमैन, लोगों ने फिर क्यों ज्वाइन किया वो उनके ऊपर है। मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया गया और बहुत बड़ा एक समारोह रखा गया, कह सकते हैं इवेंट किया गया, जिसमें लोगों ने टिकट ली और वहाँ पहुँचे और कोर्सेज को परचेज किया ऑनलाइन भी। और ये पूरे भारतवर्ष में बहुत विकसित हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले महेश्वरी जी, संदीप महेश्वरी जी को भी आप जानते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, वैसे उनका बेसिक बिजनेस इमेजेस बाज़ार के नाम से ऑनलाइन है जिसमें कि इंडियन फोटोग्राफी को सेल किया जाता है, जो बेसिक उनका काम है, और वो काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है जिसमें कि आप जितने भी देखते हैं बैंक या फिर LIC या फिर कोई भी बड़ा कॉरपोरेट जो बिजनेस सेक्टर है वो फोटोग्राफ डायरेक्टली खरीद लेता है। मिनिमम मतलब कह सकते हैं 15,000-20,000 से उनकी फ़ोटो शुरू होती है और बहुत हाई रेट तक जाती है। नो डाउट फोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से आप जितनी भी फोटोग्राफी एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं या अलग अलग सोर्सेज में फोटोग्राफी, जो कॉर्पोरेट के जो सेगमेंट है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि फ़ोटो कहाँ से ले, कैसे ले, इंडियन मार्केट में कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करें, तो वो उनका बेसिकली बिजनेस है ऑनलाइन का, क्योंकि वो खुद भी फोटोग्राफी फील्ड से रहे हैं। चलिए, एक तो उनके व्यापारिक लहजे की बात करें, दूसरा काफ़ी अरसे से वो मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं जो लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं अपने सेमिनार के द्वारा, जब मतलब काफ़ी लंबे टाइम से, बहुत लंबे टाइम से अब। और उनका एक बड़ा अच्छा है कि वर्ल्ड वाइड एक मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर कई मिलियंस में व्यूवर्स हैं और वहाँ पर वो वीडियो डालते हैं। लोग उनको क्यों फॉलो करते हैं, मोटिवेशन तो बहुत दुनिया देती है, लोग उनको इसलिए ज़्यादातर फॉलो करते हैं कि वो अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन में नहीं डाला हुआ है, उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती उनके उस पेज पर, तो इसलिए एक लोगों का अटैचमेंट रहा। पिछले दिनों क्या हुआ कि उन्होंने भी विवेक बिंद्रा जी की तरह अपने कोर्सेज लॉन्च किए बिजनेस सेगमेंट के लिए, जिसमें अलग अलग पैमाने पर वही फीस रखी गई, न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकाले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो शायद जैसा कि विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं चल ही नहीं पाया जैसा उनका पैमाना है, देखने का नज़रिया है जो भी है। इसके बीच में क्योंकि पहले से ही संदीप महेश्वरी अपने एक इंटरव्यू सेशंस लेते रहते हैं, लोगों के बीच आते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो उसमें इस बार ऐसा क्यों हुआ ये गॉड नोज, लोगों ने इनडायरेक्टली विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज पर सवाल उठाए और उसमें ये बताया गया कि वो कोर्सेज हमें ज़बरदस्ती तो नहीं, मतलब फ्रॉड किया गया हमारे साथ कि 50,000 का हमने कोर्स परचेज कर लिया और उस 50,000 कोर्स के बाद हमें उसी कोर्स को बेचने के लिए वो प्रोडक्ट बना दिया गया। तो वो मूर्ख इंसान जिन्होंने इसको ख़रीदा, पूरे भारतवर्ष में बहुत लोगों ने ख़रीदा है, क्या उन्हें पहले पता नहीं था कि हम क्या ख़रीद रहे हैं? आपको सिर्फ एजुकेशन बेचा जा रहा था, वो बिजनेसमैन के लिए कोर्स था, लेकिन यहाँ पर गलती विवेक बिंद्रा जी की टीम की तरफ से भी है या फिर उनकी तरफ से ही है कि जब आप लोगों को ये कह रहे हो कि हमारा कोर्स ख़रीदो, आप लाखों कमा लोगे, आप हमारे टीम मेंबर बन जाओगे, तो फिर उन्हें दो। और क्या सभी लोग इस तरह के कोर्सेज बेचने के लिए कैपेबल हैं? पहले तो ये इंश्योर करो, अगर आप 50,000 रुपये ले ही रहे हो, बात पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लाखों लोग करोड़ों लोग, क्या उसको उसी वे में रिटर्न किया जा रहा है या उनको फ़ायदा हो रहा है? और फ़ायदा होगा भी कैसे, जब आप बहुत सिंपल सी बात समझिए, मैं 50,000 रुपये मैं दे रहा हूँ,
मैंने बहुत अच्छी नॉलेज सपोज ले भी ली कि हाँ मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया, मैं शायद बिजनेस सेल कर सकता हूँ, प्रोडक्ट अब मेरा अपना नहीं है, प्रोडक्ट भी उन्हीं का ही बेचना है मुझे, प्रोडक्ट भी उन्हीं का ही बेचना है और उस प्रोडक्ट को मुझे लोगों को बेचना है, लेकिन मैं तब बेचूंगा ना जब मैं इस मार्केट में अकेला होऊंगा। तो यहाँ पर वो कोई प्रायोरिटीज़ तो है नहीं, मैं भी ले रहा हूँ, मेरा फ्रेंड भी ले रहा है, उसका भी फ्रेंड ले रहा है, तो एक ही मार्केट में जब 50 लोग उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं डिफरेंट प्राइस पॉइंट पर, तो लोग क्यों खरीदेंगे? जब सब ने खरीद ही रखा है, जिसकी नीड थी उसने तो खरीद ही लिया, तो मुझसे कोई क्यों खरीदेगा? तो मेरे अल्टीमेटली पैसे बाउंड हो गए, अब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जब कोई चीज़ बहुत सस्ती बेची जाती है ना, आपको लग रहा है 50,000 रुपये बहुत बड़ा शायद अमाउंट है, बट वो फ्रिक्वेंटली ना चाहते हुए ना बहुत ज़्यादा लोगों को बेच दी गई, या तो एक बैरियर होता, लिमिट होता कि मुझे बेचना इतने लोगों को है, या इतने इस शहर में इसी पर्सन को बेचना है, जैसे कोई भी फ्रेंचाइजी होती है, समझिए। अब यहाँ पर ना ये फ्रेंचाइजी मॉडल अप्लाई कर दिया गया, बट वो टर्म एंड कंडीशन क्लियर नहीं हुई। ये प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक फ्रेंचाइजी है, उस फ्रेंचाइजी को आपको एटलीस्ट 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या एटलीस्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तो रखिए कि जिसको बेच रहे हैं वो अपना बिजनेस तो कर पाए ना। आप ओपनली सब कुछ बेच रहे हैं तो वो बिजनेस कैसे कर पाएगा? और इसी बात को सिखाने के लिए शायद ये पैसे लिए गए थे, जो चीज़ सिखाई नहीं गई भ्रमित की गई। तो मेरा पर्सनली तो यही मानना है कि कहीं ना कहीं आपने भ्रमित किया लोगों को। मुझे कोई मतलब नहीं संदीप महेश्वरी जी या उनके इवेंट में लोगों ने क्या कहा, बट आपकी जो बिजनेस पॉलिसी है वो ठीक है, अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है, नो डाउट, और वो होना भी चाहिए। बट जो लोग जुड़, ये वीडियो ना लोगों के लिए है जो बिजनेस के इस तरह के कोर्सेज या कोचेज के पास जाते हैं, जिन्हें ये लगता है कि वो कोर्सेज या कोचेज ना उनको सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो अपना ही सपोर्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर इतना ही ज्ञानवान है, इतना ही वो सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी वीडियोस डाल रहे हैं वो यूट्यूब पर, कई हज़ार डाल रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। अब जो नई वीडियो इनका आई है विवेक बिंद्रा जी की, भाई हज़ारों वीडियो हमने बना दी, भाई साहब चार और बना दो, क्या दिक्कत है? वो जो ज्ञान की बातें हैं वो ओपनली दे दो, लोग करना चाहेंगे कर लेंगे, नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे। फिर वो ये कहेंगे फ्री की चीज़ों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप जो पैसा दे लेके काम कर रहे हो उस पैसे पर एटलीस्ट आप तो बहुत ज्ञानवान हो, चीज़ों को समझा तो दो कि करना कैसे काम। लोगों को पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप जिस कोर्स को जिसको भी परचेज करो ना, लोगों को पता ही नहीं है कि वो परचेज क्या कर रहे हैं और उसको सेल कैसे करेंगे, बस, और कोई कहानी नहीं है। बहुत बड़ी कहानी नहीं होती बिजनेस में, आप परचेज क्या कर रहे हो और आपको सेल कैसे करना है, सिर्फ इतनी सी। और उसमें कॉम्पिटिशन कितना है, कॉम्पिटिशन तो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। जब कॉम्पिटिशन, आप ये समझिए ना कि 10 लोगों को मेरे ही शहर में कोई प्रोडक्ट बेचा जाए, मैं 1,00,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, बट मैं ये चाहूँगा कि आप, या 10,00,000 देने के लिए भी तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मुझे ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि इस शहर में मैं ही बेच सकता हूँ। कोई भी फ्रेंचाइजी इसी तरह काम करती है। तो यहाँ पर जब खुद के कंपनी का ही प्रोडक्ट है तो आपको फ्रेंचाइजी ही तो लेनी है, सिर्फ फ्रेंचाइजी लेनी थी। यहाँ पर लोगों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, वो इन्फ्लुएंस क्योंकि इतना हो गए ना, विवेक बिंद्रा जी हमें कोर्स देंगे, हमसे मिलेंगे, हमसे हाथ मिलाएंगे। लोगों का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू समझो, आप क्यों गए थे वहाँ? आप इसलिए नहीं गए थे कि आपको बिजनेस करना था, काम करना था, आप तो इन्फ्लुएंस होके बैठे थे कि हाँ हमें उनसे मिलने का मिलेगा, हमें तो उनसे सेल्फी मिलेगी, हमें तो लाइक्स चाहिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह इंस्टाग्राम पे लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं किससे मिला और मैं कितना बड़ा अब तो बन गया, बस अब तो मैं छाप दूंगा, नोट छापने की मशीन दे देंगे वो मुझे और मैं छापता फिरूंगा। तो जितने लोग ये कह रहे हैं ना कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ, एक्चुअली में आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, आपने खुद को इतना इन्फ्लुएंस कर लिया, आपने आपको परिपक्व किया ही नहीं। और बिजनेस भी ना ऐसा ही है, बिजनेस में आपको खुद को पकाना पड़ता है। दूसरा ना, एक बाप अपने बेटे को बिजनेस नहीं डिवोट कर पाता है, वो डुबा देता है बेटा समटाइम, आप इस बात को समझो। जो दिन रात उसके साथ घर में है, 24 घंटे उसको सपोर्ट कर रहा है, वो उस बाप के ना रहने के बाद ना वो नहीं हैंडल कर पाता है। वो लोगों की कहानी है कि ऑटो मोड पे गाड़ी को लगा दो, चला देंगे, बिजनेस चलता रहेगा, आप नहीं हो तो बिजनेस चलना चाहिए, वही बिजनेस है, अदरवाइज तो लेबर हो। बकवास है, आप इनकी बातों में आके ना करा धरा काम सब गोबर कर दोगे। गाड़ी को ऑटो मोड पे डालने से पहले गाड़ी की एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, गाड़ी की प्रॉब्लम्स क्या है। ऑटो मोड की तो बात बहुत दूर की बात है कि आप गाड़ी को ऑटो मोड पे डाल दोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि गाड़ी की प्रॉब्लम्स क्या है, गाड़ी की स्पीड क्या है, गाड़ी की कंजम्पशंस क्या है, उसको पेट्रोल कितना चाहिए, कितने किलोमीटर चलेगा। ऑटो मोड तो भाई बहुत दूर की बात है,
इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त यहाँ पर, मतलब इन्फ्लुएंसर कह लीजिए या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स कह लीजिए या फिर बिजनेस कोच कह लीजिए, डायरेक्ट यही बात करते हैं। आप अगर अपने बिजनेस में बैठे हो तो आप तो नौकरी कर रहे हो, नौकर हो गए हो अपने बिजनेस के, आपको चलाना ही नहीं आ रहा। भाई हाथ जोड़े चला लेने दो लोगों को, जो कर रहे हैं ना, दाल रोटी खा रहे खा लेने दो, ऑटो मोड के चक्कर में ना शटर डाउन करवा देंगे सबका। आप बिजनेस को ना मतलब पता नहीं किस तरह से समझते हैं, क्या समझते क्या है, आपके पैसे लगे होते हैं, बिजनेस को छोड़ दो, आपके टाइम की वैल्यू है, आपके अपने टाइम की वैल्यू है, उस टाइम की वैल्यू को आप समझो और कोर ग्राउंड लेवल पे जाके समझो। आपके साथ ना विवेक विनायक ने कोई चीटिंग नहीं की, आपको इन्फ्लुएंस किया है बस, जैसे बाबे करते हैं, है ना, जैसे बाबे करते हैं, चार जादू दिखाया ऐसे वैसे। भाई साहब वो स्टोरीज दिखा रहे हैं, वो सिर्फ ये बताए कि हाँ मैंने बिजनेस बिल्ड किया है, मैंने दिन रात मेहनत करके मैंने एक अब किसी इंसान को देखो यहाँ था और यहाँ से यहाँ खड़ा किया है। वो स्टोरीज बता रहे हैं, किसी की भी स्टोरी रैंडम बता रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं पागलों की तरह। वो सिर्फ ये प्रूफ कर दे, ये पैसे लेके मैं एक इंसान देता हूँ, उसको यहाँ पे खड़ा है, उसको कुछ नहीं आता है और जीरो से ना उसको 100 तक लेके गया हूँ। वो स्टोरी है किसी के पास? किसी के पास नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर्स बनना बहुत आसान है, आज की डेट में कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। किसी के पास ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि हाँ मैंने इस इंसान को यहाँ से यहाँ पहुँचाया या उसके लिए ये किया या उस इंसान ने खुद को एफर्ट कर करके यहाँ तक लेके आया। अश्नील ग्रोवर का आपने नाम सुना होगा, भारत पे जिनके फाउंडर रहे हैं। भाई उस इंसान ने काम किया ना, पढ़ाई भी की, काम भी किया, अपने आप को लेके आया, उसने बनाया है ना, इसलिए वो चिल्लाता है, इसलिए वो बताता है, क्योंकि उसने खुद से किया है। तो वो पॉइंट है कि आपको मुद्दे की बात अगर आपको फॉलो करना है तो ऐसे लोगों को फॉलो करो जो खुद को कहीं लेके गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे लेके गए इसीलिए उनको फॉलो करना है। आप बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हो, बस वहीं तो आप लोगों जिनको आप फॉलो कर रहे हो आप उन्हीं से ही कटोगे। और वही हुआ है अभी आप लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ हुआ है, ये एक दो की कहानी नहीं है। तो काटा आप लोगों को उन्होंने ही है जो जिनके लिए आप फॉलोवर थे। तो बस कोई इसमें चिल्लाने चीखने की कोई कहानी नहीं है। फ़ायदा यहाँ पर ना कहते हैं दो कुत्तों की लड़ाई में ना बिल्लियों का ही फ़ायदा होता है, बहुत पुराना ये कहावत है। तो यहाँ पर अब आप इस फॉलोवर को छोड़ दोगे और दूसरे फॉलोवर को पकड़ लोगे, वहाँ भी यही होगा कुछ समय के बाद। तो अपने आप को बचाओ, अपने काम को समझो, हार्ड कोड मनी को किसी को देने से पहले सोचो, देखो क्या रिटर्न है, इफ एंड बट को समझो। आपने समझा नहीं ना, बिजनेस मॉडल को नहीं समझा, या फिर जब उन्होंने समझाया ना तो आप तो इन्फ्लुएंस में विलीन थे, आपको तो बस पता नहीं क्या मिलने वाला था। जो सबको मिलना है ना वो तो भाई मुझे चाहिए ही नहीं, पहली बात यही रखो। जो सबको बट रहा है प्रसाद, सबको ही बट रहा था वहाँ तो, 50-50 30-30 हज़ार में, 35-35 हज़ार में सबको ही बांट रहे थे वो तो आप लोग जा चले गए लेने। तो जब वो प्रसाद बट गया, अब चीख रहे हो कि मुझे तो अलग प्रसाद चाहिए था, भाई सबके लिए बराबर ही था ना, उसमें गलत थोड़ी था। पब्लिकली बट रहा था 30-30 हज़ार में कोर्स और आप लेने चले गए। अभी ना डिजिटल मीडिया का, डिजिटल कोर्सेज के बहुत सारे चल रहे हैं, डाटा एनालाइजिंग ये वो बहुत सारे चल रहे हैं। समझो सबको बट रहा है जो चीज़, वही आपको चाहिए, तो फिर आप डिफरेंट अलग क्यों हो, आपका काम कैसे चलेगा? तो कृपया ध्यान दें, महानुभाव ना बने, अपने आप को बचाएं इस तरह के विपत्तियों में आने से पहले। नहीं तो अगर यही कोर्सेज बेचने होते, समझो ना, सबसे ज्ञानवान जो विवेक बिंद्रा जी भी है ना, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों और उनसे लिए गए उपायों के ऊपर ही आपको ज्ञान देते हैं। पीछे उन्होंने एक सेशन भी किया था, मैं खुद देखता हूँ, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कितने परसेंट इन्फ्लुएंस हो गया हूँ ना उस पर डिपेंड करता है। देखो पूरी दुनिया को, समझो पूरी दुनिया देखने के लिए तो है। तो जितना श्री कृष्ण जी ने अगर इस तरह से सोचा होता ना तो वो भी अपने कोर्सेज लॉन्च कर देते, अर्जुन को कहते देख बेटा एक कोर्स ले ले तभी तेरे को ज्ञान मिलेगा। अगर इतना ही ज्ञानवान है, इतनी देशभक्ति है, कोई भारत को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाना है तो कोर्सेज लॉन्च कर दे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुनिया में, क्या प्रॉब्लम है? बाकी आपके विचार, आगे इसी तरह मिलता रहूँगा अपने भड़ास के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।